को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है, सबको मिला के चारों। क्यों भाई अलग से क्यों बना दिया इनकी कैटेगरी या ग्रुप बना दिया जी? बिकॉज दे आर सो वेल कोऑर्डिनेटेड। ईआर दैट मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या ये प्लांट सेल में मिलेगा या एनिमल सेल में मिलेगा? कुछ याद आ रहा है? दोनों में। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल सेल्स। इट फॉर्म्स अ सॉर्ट ऑफ स्केलेटन ऑफ द सेल। ये चारों तरफ सारी जगह सेल में इतना छाया हुआ होता है ना, पाइपें पाइपें होती हैं, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर, पूरा नेटवर्क बना रहा होता है जी। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, ये दिख रही है ना आपको, ये ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई हुई है। और इसी के साथ एकदम शुरू हो चुके हैं ईआर के ट्यूब्यूल्स, पाइप्स, सिस्टर्नी। हाँ, ये राइबोसोम्स वाला ईआर दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? खुरदरा हो गया ना ये, इसके ऊपर गोले गोले आ गए तो खुरदरा हो गया इसका सरफेस। और एक होता है प्लेन वाला, ये बिल्कुल प्लेन प्लेन वाला, ये जो बाकी दिख रहे हैं आपको प्लेन वाले हैं। क्या इनमें राइबोसोम दिख रहे हैं? नहीं। तो ये बिल्कुल चिकने चिकने हैं, तो यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SCR। टू टाइप्स, SCR एंड RER मे बी फाउंड इन द सेल। SCR का काम है लिपिड प्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स करता है SCR, यानी वसा आदि बनाता है। और RER क्या करता है भाई? ये बनाता है प्रोटीन्स, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। व्हाई? बिकॉज इट हैज़ राइबोसोम्स ऑन इट। इन 1898 कैमिलो गोल्जी, अ साइंटिस्ट, डिस्कवर्ड गोल्जी अपरेटस। दिस इज वन गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। गोल्जी अपरेटस इज फाउंड प्लांट्स में, इसको डिक्टियोसोम भी बोल देते हैं। तो दो फेसेस हो गए इसके, कन्वेक्स एंड कनकेव, फॉर्मेशन वाला, मैच्योरेशन वाला। यहाँ पे बनते जाएंगे, मतलब इसमें नई नई चीज़ें जुड़ती जाएंगी, गोले गोले जुड़ते जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पड़ा है, वहाँ से कुछ बन के आया जी, टूट टूट के आया वेसिकल्स, वो इसके साथ जुड़ गई, जुड़ती गई। तो यहाँ पे ये जुड़ता जाता है और नए नए ये सिस्टर्नी पैदा होएंगे, बनते जाएंगे। और ये ऊपर ऊपर क्या हो रहा है, ये आप दे रहे हो, देख रहे हो, ये गोले गोले से साइडों में बनाए हैं। ये जब पिंच ऑफ होंगे, टूटेंगे, और यही गोले हटते जाएंगे यहाँ से, तो मैच्योरेशन। आपके एक फ्रेंड का बर्थडे है, आप उसके घर गए और सीधा ही आपने ये फुटबॉल जो सोची थी गिफ्ट दे दिया उसको ऐसे, या फिर आपने फुटबॉल को जी रैप रूप करके और कवर करके पैक करके इस तरह से दिया। ए और बी में कौन सा सेटअप आपको प्रैक्टिकल और अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा? हाँ, बी। हम क्या करते हैं, पैकिंग करवाते हैं जी गिफ्ट्स की दुकानदार को कह के, और सेम काम कर रहा है, कौर कर रहा है भाई, कर रहा है गोल्जी। गोल्जी का मेन काम है पैकिंग ऑफ मटेरियल्स फॉर द सेल, पैक कर देता है ये, पैकेट्स में कर देता है उसको ना, वेसिकल्स बना देता है उसके, उसके आसपास मेम्ब्रेन बना देगा जो भी ईआर वगैरह इसको भेजेगा सिक्रीशन के, मैच्योरिंग फेज से टाटा कर देगा, जा भाई। तो वो गोले गोले जाएंगे और हो सकता है सेल के बाहर ही निकल लें, ठीक है, या कहीं और पहुंच जाए, किसी और ऑर्गेनेल के पास पहुंच जाए। इस तरह से वो गोल्जी मदद करता है। और कैसे मदद करता है? ग्लाइकोप्रोटीन बना सकता है, ग्लाइकोलिपिड बना सकता है, यानी कि कुछ केमिकल बनाता भी है। सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं ऑर्गेनेल्स कॉल्ड लाइसोसोम्स, अगेन फाउंड इन बोथ एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल्स। इन बोथ लाइसोसोम्स अंदर हैं फ्लूइड, लिक्विड, जिसके अंदर हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स पड़े हुए हैं, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एसिडिक पीएच में ही कार्य कर पाते हैं। इनको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है, यह आपने नाइन्थ में भी पढ़ा था,
आत्मघाती थैली कहते हैं इनको। क्यों भाई? क्योंकि ये बड़े अजीब सी बात है इनकी लाइसोसोम्स की। जब भी एक सेल, ये रहा सेल, ठीक है, भूखा मर रहा है, आप जी बड़े लंबी फास्टिंग कर रहे हो, आपका तो फास्ट हो गया, उस बेचारे का कल्याण हो गया, आप व्रत रखे बैठे हो लंबा, और ये बेचारी भूखों मर रही है, ये वाली आपकी कोशिका, ऐसे में इसकी मदद कौन करेगा? इसके अंदर के ये लाइसोसोम गोले गोले, दे विल हेल्प इट। हाउ? बिकॉज दे विल स्टार्ट ईटिंग द माइटोकॉन्ड्रिया, द ईआर ऑफ दिस सेल ओनली। वैक्यूल्स आर अगेन मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। वॉट डू दे कंटेन? वाटर, सैप, दैट इज अ काइंड ऑफ लिक्विड, सम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड सम मटीरियल्स विच मे नॉट बी इमिजिएटली ऑफ यूज फॉर द सेल, ठीक है। एंड द कवरिंग, वॉट इज इट्स नेम? टोनोप्लास्ट।